जोहार दोस्तों, मैं मुकेश वीरुआ। हसदेव अरण्य के इलाके में आदिवासियों को फुसला कर प्रतिरोध को रोकने की कोशिश में अडानी ने आदिवासी समाज को बांट दिया है, या साधारण भाषा में कहें तो आदिवासी समाज की ये टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। आज हम द वायर में छपी उस रिपोर्ट के आलोक में हसदेव अरण्य इलाके में आदिवासी आंदोलनों को और आदिवासी समाज में हो रहे बिखराव को देखने का कोशिश करेंगे। अडानी ने हसदेव अरण्य में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को रोकने के लिए उनके ही आदिवासी समाज के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। वे गांव में कंपनी का पक्ष रखते हैं और आदिवासियों को बिना विरोध मुआवजा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं। इस अभियान ने एक तरह से आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया। हमने हालिया वीडियो सब में भी अडानी समूह द्वारा संचालित कोयले की खदानों को लेकर तमाम अनियमितताओं और धांधलियों की खबरें दी है। मुआवजों का असंगत वितरण, ग्राम सभाओं का फर्जी अनुमोदन, पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से लेकर पुनर्वास के झूठे वादे जैसे आरोप पिछले वर्षों में अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड पर लगते रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर सबसे कम चर्चा हुई है वह है आदिवासी समाज को किस तरह इस अभियान में तोड़ा जा रहा है, जिसने आदिवासी संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई है। उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्ञात हो हसदेव अरण्य जंगल के भीतर 5 अरब टन कोयला दबा हुआ है, उसके ऊपर लाखों वृक्षों से आच्छादित वन है। अडानी समूह ने प्रत्यक्ष ढंग से स्थानीय आदिवासी लोगों को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। अप्रत्यक्ष इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाली तनख्वाह के 10,000 कंपनी सीधे नहीं देती, बल्कि कंपनी के लिए काम कर रहे वेंडर्स इन्हें यह पैसा देते हैं ताकि ना वे नौकरी का दावा कर सके और न ही अडानी समूह से उनकी संबद्धता साबित की जा सके। मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। यही कोऑर्डिनेटर आदिवासी गांव में कंपनी का पक्ष रखते हैं, आदिवासियों को बिना विरोध मुआवजा लेने और किसी भी प्रकार के आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं। हसदेव अरण्य के आदिवासियों का कहना है कि ये कोऑर्डिनेटर क्षेत्र में 70 से लेकर 200 तक की संख्या में हैं। अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की योजनाबद्ध कार्यशैली का इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 2025 के अधिग्रहण के मद्देनज़र वर्ष 2022 से ही संभावित क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर्स को सक्रिय कर दिया गया था। 2025 के जनवरी फरवरी माह में हसदेव क्षेत्र के परसा कोल ब्लॉक के लिए सूरजपुर जिले के फतेहपुर, घाटबर्रा, साल्ही, जनार्दनपुर के कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण होना है, लेकिन 3 वर्ष पहले से भावी प्रतिरोध को कम करने की कोशिशें शुरू की गई थी। यह काम कोऑर्डिनेटर्स को अग्रिम पंक्ति का योद्धा बनाकर किया गया। अडानी कंपनी कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाकर हसदेव अरण्य में प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है। वहां ग्राम सभाओं के फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार किए गए हैं। कंपनी आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार भी करती है। यह अलग बात है कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को उनके हसदेव अरण्य के संघर्ष के लिए इस वर्ष का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल सम्मान मिला है, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। अडानी समूह के अधिकारी गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा गांव में मतभेद पैदा कर खनन के लिए माहौल बनाते हैं। पिछले दिनों हसदेव में केते एक्सटेंशन खदान के लिए हुई जनसुनवाई के एक दिन पहले ये कोऑर्डिनेटर रात में लोगों को गाड़ियों में भर कर लाए और खदान का समर्थन करवाया। इन कोऑर्डिनेटर को आपको ढूंढना नहीं पड़ता, प्रभावित गांव में प्रवेश करते ही ये आपके पास आकर आपको जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम गूगल सर्च करते हैं और जरा भी शक होने पर आपकी और आपके वाहन की तस्वीर लेकर कंपनी के अधिकारियों को भेज देते हैं। सूरजपुर के फतेहपुर में 4-5 कोऑर्डिनेटर्स के एक समूह ने द वायर को बताया कि उनका प्रमुख कार्य गांव में लोगों को समझाना है कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं होगा, मुआवजे की राशि लेकर अपनी जमीन दे देना ही फायदे का सौदा है। हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़ी फतेहपुर की सुनीता पोर्ते ने बताया कि ये कोऑर्डिनेटर आंदोलनकारियों और खदान विरोधियों पर नज़र रखते हैं। उन्होंने बताया कि जंगल कटाई के समय नए लोगों को कोऑर्डिनेटर के रूप में जोड़ा जाता है। 2012 में पारसा केते खदान खुलने के समय करीब 10-11 कोऑर्डिनेटर रहे होंगे, अब लगभग 200 हो गए हैं। सुनीता पोर्ते ने कहा कि कोऑर्डिनेटर को सरकारी संरक्षण भी मिलता है। अक्टूबर में जब पेड़ कटाई हुई थी तो हम लोग पेड़ बचाने के लिए रात को जंगल में सोए थे,
हमने देखा कि हमारे गांव के कोऑर्डिनेटर पुलिस की उपस्थिति में हम पर पत्थर फेंक रहे थे। फतेहपुर के मुनेश्वर कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर जंगल कटाई के समय सरकार और पत्रकारों के सामने ऐसे चित्र पेश करते हैं कि सभी लोग जंगल कटाई के लिए सहमत हैं। इनको चौराहे पर बैठकर बोलना है कि खदान सही है। ये लोग हम लोगों की जासूसी करते हैं। फेसबुक ट्विटर पर अगर हम खदान या भूमि अधिग्रहण के विरोध में लिखते हैं तो ये उसको काउंटर भी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोऑर्डिनेटर कोयला उत्खनन के पक्ष में बिल्कुल एक जैसे तर्क देते हैं। ऐसा लगता है उन्हें बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में अपने समाज में कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी के लकड़ी का उदाहरण देता रहा हूँ। कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी न घुसाया जाए कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काट सकता। तो ये कोऑर्डिनेटर्स एक तरह से कुल्हाड़ी की लकड़ी की तरह हैं, जो अडानी रूपी कुल्हाड़ी में 10,000 रुपये के तनख्वाह में घुसकर अपने जंगल रूपी आदिवासी समाज को ही समूल विस्थापित करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये ना होते तो किसी की हिम्मत नहीं कि बाहरी दिकू लोग आदिवासी गाँव में घुस पाते। द वायर हिंदी से एक कोऑर्डिनेटर ने तो यह भी कहा कि ये आंदोलनकारी लोग जानबूझकर ज़्यादा बोलने वाली तेज औरतों को आगे करके विरोध चला रहे हैं। जो जितना बोलना जानता है उसे उतना ही अधिक पैसा मिलता है। सब खदान विरोधी लोग तनख्वाह पर हैं। सोचिए, सिर्फ 10,000 के लिए अपने समाज के विरुद्ध लड़ने के लिए ये लोग आतुर हैं। ये लोग एक तरह से अंधभक्त हो गए हैं, अडानी के और भाजपा के। कहते हैं इन कोऑर्डिनेटर्स ने गांव के समाज और संस्कृति को बुरी तरह से प्रभावित किया है, परिवारों को विभाजित कर दिया है। गोंड समुदाय के फतेहपुर गांव में एक रसूखदार व्यक्ति कोऑर्डिनेटर है। इस गांव के गांव देवता के पवित्र स्थान पर कोऑर्डिनेटर और उसके परिवार का आधिपत्य है। चूँकि वे सभी खदान समर्थक हैं, कुछ समय पहले उनका खदान विरोधी समुदाय से विवाद इतना बढ़ गया कि विरोधी गुट अपने देवता या देवी की अलग स्थापना करने के लिए तैयार हो गया था। मतलब अडानी के समर्थकों का अलग सरना स्थल और बाकी गांव वालों का अलग। बताइए और कितना आदिवासी समाज को बढ़ते देखना चाहेंगे। ऐसी कोई भी कोशिश बहुत गहरे आंतरिक विभाजन को दर्शाती है। अडानी समूह के उत्खनन से जुड़े मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले स्थानीय पत्रकार क्रांति कुमार रावत ने बताया कि क्षेत्र के कुछ लोग अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ खदान का समर्थन कर रहे हैं। इससे भाई भाई में ही विरोध हो गया है। यह वास्तव में बटोगे तो कटोगे का बेहतरीन उदाहरण है। ये लोग छत्तीसगढ़ के हस्ते और अन्य के आदिवासियों को पहले तो बांटा, फिर उसके बाद उनके जंगलों को, उनके समाज को ये लोग काट रहे हैं। लेकिन झारखंड में ये लोग आपको डराने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखाया जा रहा है। असली हकीकत इनकी ऐसे ही बांट कर काटने की है। सुनीता पोरते कहती है उनकी रणनीति फूट डालने की है। ये हमें समाज के सामने बदनाम भी करते हैं कि हमें विदेश से पैसा मिलता है। सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी भविष्य के लिए अमूमन बचत नहीं करते, इसलिए वे जन्म मृत्यु विवाह बीमारी त्यौहार जैसे अवसरों पर उधार लेते हैं। जब से अडानी कंपनी इस क्षेत्र में आई है आदिवासी कंपनी के अधिकारियों से इन कोऑर्डिनेटर के जरिए कुछ हज़ार रुपये ले लेते हैं। चूँकि इस राशि को वापस लेने में ये अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखाते, इस एहसान के बोझ तले जीते आदिवासी की प्रतिरोध की चेतना धीरे धीरे मंद हो जाती है। उदयपुर गांव के पत्रकार ललन ने इसमें एक अन्य पहलू जोड़ते हुए कहा कि खदान शुरू होने से पहले खदान समर्थकों की संख्या कम होती है, लेकिन जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि खदान खुलेगा ही, तब समर्थक बढ़ते जाते हैं और खदान विरोधी धीरे धीरे अपने निजी आर्थिक लाभ देखने लगते हैं। द वायर हिंदी से बात करते समय कोऑर्डिनेटर के अंतर्विरोध और असंतोष भी उभर कर आए। एक कोऑर्डिनेटर ने बताया कि उनके गाँव में जिन बाहरी लोगों ने जमीन खरीद ली थी उन्हें नौकरी मिल रही है और हम लोग जो पहले से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनकी नौकरी को लेकर अस्पष्टता नहीं है, इसलिए सभी कोऑर्डिनेटर कंपनी के सामने अपनी मांगे रखने की सोच रहे हैं। इसके अलावा 10,000 रुपये महीना मिलने से कुछ कोऑर्डिनेटर शराब की गिरफ्त में आ गए हैं। 10,000 इस इलाके में बड़ी रकम है और एक बोतल महुए की शराब 100 रुपये में मिल जाती है। द वायर हिंदी ने अडानी समूह के अधिकारी से संपर्क किया, उन्होंने इसे एकदम इनकार कर दिया और नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनकी कंपनी में कोई सवैतनिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। जो लोग रोजगार शिक्षा और विकास के पक्ष में हैं वे अपने आप खदान का समर्थन कर रहे हैं।
एक पत्रकार ने अपना वाक्य शेयर करते हुए कहा कि एक बार अडानी के अधिकारियों ने अपने वृक्षारोपण को दिखाते हुए बीच में ठिठक कर बैठे गिरगिट और दो पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि देखिए ये जीव जंतु अभी जंगल में आने लगे हैं, धीरे धीरे भालू बंदर भी आएंगे, बायोडाइवर्सिटी को लेकर ऐसा कोई खतरा है नहीं जैसा आप लोग बताते हैं। यदि आप सबों को भी ऐसे ही गिरगिट और दो चार पक्षियों की आबादी से भरा हुआ जल जंगल और ज़मीन चाहिए तो अडानी को आमंत्रित, माफ़ कीजिए उनकी जेब की सरकार को बनाकर उनका सपना, माफ़ कीजिए आदिवासियों का सपना चकनाचूर आप कर सकते हैं। बाकी जो है सो है ये है। जोहार।